आज हम खट्टी मीठी नींबू का चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हम 250 ग्राम नींबू लिए हैं। इसको काट लेंगे पहले इस तरह से। चार पीस में काट लेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे। सबका बीज निकाल लेंगे। इस तरह से सबको काट लेते हैं। पहले सारे नींबू को इस तरह से काट लिए हैं, इसका बीज भी निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार में लेकर इसको पीस लेंगे। ये सारे नींबू को इसमें पीस लेते हैं। इस तरह से नींबू को पीस लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें इसको डालकर पका लेंगे। ढाई सौ ग्राम नींबू दिए हैं तो 300 ग्राम गुड़ देंगे। चीनी का भी बना सकते हैं। इसको इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से गुड़ को मेल्ट होने देंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हींग डाल देते हैं। आधा चम्मच काला नमक है, इसको डाल देंगे। और आधा चम्मच सफेद नमक है, इसको भी डाल देंगे। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर है, इसको डाल देंगे। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। और सबको मिक्स करके एक दो मिनट तक पका लेंगे। चटनी हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। देखिए, नींबू का खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गया है। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप भी बनाकर देखिए ये चटनी। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।